और जरा इन वीडियोस को देखो दोस्तों। पाकिस्तान में ये भगदड़ आटे की एक बोरी के लिए है, क्योंकि यहाँ एक किलो आटे की कीमत 3,000 रुपए हो चुकी है और लोग एक बोरी के लिए एक दूसरे को गटर में ढकेलने तक तैयार है। आटे को छोड़ो, पाकिस्तान में गैस सिलेंडर की कीमत 10,000 रुपए हो चुकी है और आप बिलीव नहीं करोगे कि पाकिस्तानी लिटरली प्लास्टिक की थैलियों में गैस भर भर के घर ले जा रहे हैं और पाकिस्तान में हालात काफी ज्यादा खराब है। लेकिन फ्रेंड्स, आप मानोगे नहीं कि इन सब के बीच इंडिया के लिए गुड न्यूज है, और वो भी फ्रॉम POK, क्योंकि आज पाकिस्तानी रुपए कत्ती पटंग के जैसा तेजी से नीचे गिरते जा रहा है और पाकिस्तान की इसी क्रिटिकल हालात को देखने के बाद आप POK सिटीजंस भारत में जुड़ना चाहते हैं। POK में आई आज एंटी पाकिस्तान वेव इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है कि जहां अब तक एंटी इंडिया के नारे लगाए जाते थे, वो अब इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। और POK में अब एक भी ऐसी सिटी नहीं है जहां पर लोग सड़कों पर आकर पाकिस्तानी सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हों। और हैरानी तो तब होती है क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान ने POK रीजन में रातों रात आटे का दाम 1200 रुपए से बढ़ा दिया है और साथ ही वहां स्थित आटे की दुकानों पर लॉक लगा दिया है। अब इसका रीजन आटे की कमी थी या फिर पाकिस्तान सरकार बचा कुचा माल पाकिस्तान मीलैंड में यूटिलाइज करना चाहती थी, ये तो नहीं पता। पर इतना जरूर तय है कि POK वासियों को ये आटा हजम नहीं हो रहा है और पाकिस्तान अपनी गलतियों को समझ चुका है। अभी हाल ही में खुद पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ 3 बार बॉल लड़ी है, पर उसे बदले में बर्बादी, गरीबी और बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं मिला और इसीलिए वो इंडिया के साथ बैठकर कश्मीर मुद्दे को फिर से रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो सवाल ये आता है कि POK या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर फाइनली वापस इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा। वेल, जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट आपके साथ। तो बात करें पाकिस्तान की करंट सिचुएशन क्या है कि शहबाज शरीफ को आके ये बात करना पड़ गया। सो जैसा कि मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, वहां पर कुकिंग गैस थैलियों में मिल रहा है क्योंकि सिलेंडर में गैस खरीदने के लिए 10,000 रुपए लोगों के पास नहीं है। तेल का रेट 490 रुपए पर लीटर है और घी 250 रुपए पर किलो। वेल, इस तेजी से बढ़ती कीमत का रीजन है पाकिस्तान का इन्फ्लेशन। अब इसके अलावा पाकिस्तान का फिजिकल डेफिसिट 115% पर है, यानी कि पाकिस्तानी सरकार जितना कमा रही है उससे 115% ज्यादा खर्च कर रही है, मतलब कि डबल। अब इस खर्चे के लिए पैसा कहां से आ रहा है? वेल, आप विश्वास नहीं करेंगे बट पाकिस्तान की GDP का 78% तो लोन ही है। वैसे ये तो कोई नई बात भी नहीं है, पिछले 2 दशकों में पाकिस्तान का लोन रेट 1500% से बढ़ चुका है, मतलब अब तक देश का गुजारा सिर्फ लोन पर ही हो रहा है। इनफैक्ट 2 से 3 हफ्ते के अंदर किसी ने पाकिस्तान की मदद नहीं की तो इकोनॉमी खत्म हो सकती है, क्योंकि मामला इतना बदतर हो चुका है कि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व यानी कि डॉलर रिजर्व, जो कोई भी देश बाहर से जरूरी चीजें जैसे ऑयल, फूड, रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए यूज करता है, वो सिर्फ और सिर्फ लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर ही बचा है। और हमारे देश में बिलियनियर्स हैं जिनका करंट नेटवर्थ इससे 5 गुना ज्यादा है। भाई, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस कदर तक आ पहुंची है वो हम इस फुल्ली भरे स्टेडियम से ही पता लगा सकते हैं। ये भीड़ किसी इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए नहीं है, बल्कि ये सब नौकरी मिलने की उम्मीद में गवर्नमेंट एग्जाम देने बैठे हैं। ऐसी सिचुएशन में सरकार का क्या ख्याल है? वेल, सभी मार्केट्स और मॉल रात के 8:30 बजे तक बंद हो जाएंगे और रेस्टोरेंट्स 10 बजे तक, और यहां तक कि सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे और जो भी मीटिंग करनी होगी वो भी सिर्फ डे लाइट में ही होगा, क्योंकि सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस इंक्रीज कर दिए हैं। आज पाकिस्तान को पर यूनिट के लिए 20 रुपए देने पड़ रहे हैं, जो कुछ ही साल पहले 3 रुपए हुआ करते थे। अब इसे ऐसे समझो, अगर आप सिर्फ एक बल्ब 1 घंटे तक ऑन रखोगे तो एक यूनिट यूज हो गया, मतलब 20 रुपए आपके खर्च हो गए। अभी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि आप अगर घर के सारे लाइट को सिर्फ 1 दिन के लिए ऑन रखोगे ना, तो आपका बिल आएगा 10,000 से 30,000 रुपए 1 दिन का। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सरकार ने ऑयल और गैस के प्राइजेस 75% तक बढ़ा दिए हैं, जिससे वहाँ कुछ ऐसी हालत हो गई है। और जब इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए खाने पर सब्सिडी दी गई तो सिचुएशन सुधरने की जगह और भी बिगड़ गई। ये देखो, एक बोरी आटे के लिए इतने पागल हो गए हैं कि एक दूसरे को गटर में तक ढकेल दे रहे हैं। और रही बात POK की, तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार को अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए POK को लेकर, जब तक वहाँ की जनता ये ना कहने लगे कि हमें इंडिया में शामिल होना है, क्योंकि वहाँ पर पता नहीं कितने आतंकवादी ना छिपे हों। क्योंकि POK कल के कल भारत में शामिल होने से भारत में सिचुएशन बिगड़ सकती है, वो भारत में आकर अशांति भी फैला सकते हैं। पहले हमें उनके माइंडसेट को चेंज करना होगा, फिर POK को इंडिया में हम ऐड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।